हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इजी और बहुत ही प्यारे फ्लावर लेके आई हूँ, जो कि हम नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि आपको मेरी पहली वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलेगा। तो इसी के साथ मैं वीडियोज़ बनाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले हमने एक रेड कलर की शीट ली है, जिसे हम यहाँ पर बराबर इस तरह फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम इसे सीधा लाइन लगा देंगे और इसके बाद हम इसे काट लेंगे। काटने के बाद हम इसे यहाँ पर बराबर ले लेंगे और अगेन हम इसे कट करेंगे। कट करने के बाद फोल्ड कर लेना है। हमने इसे तीन दफ़ा फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद पेंसिल के साथ हमने इसे निशान लगा लेना है। तो जो निशान है वो हमने साथ लगा लिया है। तो अब इसके बाद जो है हम फ्लावर को खोलेंगे। तो देखिए, फ्लावर हमारे पास रेडी हो चुका है। अब हम इसकी इसी तरह एक और ले लेंगे और इसकी भी वन साइड ये वाली काट देंगे। मैं अब आपको काट कर दिखा देती हूँ। मैंने इसे काट दिया है और अब इसके साथ अटैच कर देना है। हमारे पास चूहा चूहा है, हमने इसके साथ इसे लगा देना है। तो मैंने दोनों फ्लावर्स को साथ लगा दिया है और यहाँ पर हम इसे दरमियान में ये, और ये मैंने छोटे साइज़ का बनाया और ये जो है ये बड़े साइज़ का है। तो इसे इस तरह यहाँ पर दरमियान में लगा देना है। दरमियान में लगाने से पहले हमने इसे फोल्ड करना है। तो पेंसिल की ये वाली जो बैक साइड है उसके साथ हमने इन सबको फोल्ड करना है इस तरह। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों को कर लिया है। अब इसके बाद हम दरमियान में यू एच यू इसके लगा देंगे। यू एच यू लगाने के बाद छोटा फ्लावर जो है वो हम इसके अंदर लगा देंगे और ये जो है इसके अंदर लग चुका है। तो आप देख सकते हैं ये फ्लावर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब दरमियान में हम कुछ और लगा देते हैं। तो ऑरेंज कलर का स्मॉल साइज़ में मैंने एक टुकड़ा लिया है, उसे इस तरह फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद काट लेना है। इसी साइज़ में हमने सारे काट लेने हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमने यहाँ से काट लेना है, क्योंकि ये वाली साइड हमारे पास बंद थी और इन्हें हमने काट लेना है। काटने के बाद फोल्ड कर लेना है। तो अब इसके बाद मैंने यहाँ पर यू एच यू लगा देनी है। यू एच यू लगाने के बाद इसके साथ लगा देना है और ये जो फ्लावर है वो हमारा कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये मैंने बहुत ही प्यारा इतनी नफासत के साथ बनाया है। आप भी कोशिश करें तो इंशाल्लाह ताला आप भी बिल्कुल इस तरह बना सकते हैं। फ्लावर हमारा कम्प्लीट हो गया है। तो ये इस तरह आप काफ़ी ज़्यादा हर कलर के फ्लावर बनाएं और रूम वगैरह डेकोरेट करें या किसी भी जगह पर आपने लगाना हो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी खूबसूरत नई नई आसानी से बनाने वाली चीज़ें लेके आऊँ। तो ये बहुत ही ईजी थी। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की बेल ज़रूर दबा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।